अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे हैदराबादी तला हुआ गोश्त। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बोनलेस मटन। मैंने इसे कट करके छोटे छोटे पीसेस में और अच्छे से वॉश करके रख लिया है। ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 3 से 4 हरी मिर्ची ली है, थोड़े सी करियापाक और थोड़ी कोतमीर है, और ये 1/2 कप ऑयल है। चलिए बनाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसका पानी जो निकलेगा उसमें ही ये अच्छे से पक जाएगा, हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करेंगे इसमें। देखिए इसका पानी ड्राई हो गया है और ये अच्छे से गल भी गया है। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे फ्राई करेंगे। देखिए भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम हल्दी, मिर्ची ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम कश्मीर थोड़ी सी करियापाक, टू मिनट और फ्राई करेंगे इसे हम। अब ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हमने डिश आउट कर लिया है। अब हमारा तला हुआ गोश्त बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।